टीजीटी पीजीटी मैथोडिक्स के लिए कमेंट वीडियो नंबर 19 यानी 19 नंबर, इसमें हमारे पास कमेंट बहुत आ रहा है कि एल्टी ग्रेड टीचर पे सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाइए। वही तो बना रहे हैं, एल्टी ग्रेड जो टीचर्स का सिलेबस लेके उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना रहे हैं। कुछ हमारे जैसे डिफेंसेशन है एंड जैसे कि डेफिनेटिव इंटीग्रेशंस है, ये सब पहले से हो चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है ना, जो चीज़ें पहले से हो चुकी हैं टीजीटी पीजीटी के प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, तो वो तो हो चुकी हैं, वो भी इंटीग्रेटेड टीचर के लिए काम करेंगी। पर इस समय जैसे वेक्टर्स बना रहे हैं, वेक्टर में पहले कमेंट आया था कि केवल एक कमेंट था कि केवल मोस्ट क्वेश्चन बता दीजिए, तो हमने मोस्ट क्वेश्चन बनाने शुरू किए, उस पर लगभग 3-4 वीडियो बना दी वेक्टर, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिए। उसके बाद कमेंट आने लग गया कि हाँ सर इस पर सोल्व भी कीजिए, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर हम हाँ उसके आगे से बोलना वीडियो नंबर 7 से सॉल्व कर रहे हैं। तो वेक्टर्स की इस समय 11, 12, 20, 21 वीडियो तक आ चुकी हैं और डिफरेंशिएशन वेक्टर में भी पहुंच गए हैं, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट जो हमारा वो चल रहा था त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसको एंड कर देते हैं, उसमें भी ज़्यादा काम नहीं बचा है, और एक एक पोर्शन को पकड़ते हैं। फिर रियल एनालिसिस पे कमेंट आ रहा है, रियल एनालिसिस वाला पोर्शन कराइएगा है ना, वास्तविक विश्लेषण, उसके बाद उसको पकड़ते हैं। फिर जो जो आसान सी चीज़ें हैं जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है, वो जो आप खुद कर सकते हैं वो ही अभी है नहीं करा रहे, मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे थ्योरम वाली है। अब हमारा सेट वो था समुच्चय वगैरह, सेट थ्योरी था, ग्रुप वगैरह वो करा दिया था, उसमें शायद एक तो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 वीडियो, एक वीडियो मिसिंग हो गया था उसमें, वीडियो नंबर 15 ग्रुप का, वो दोबारा बनेगी और एक दो वीडियो और उसमें बनना, ज़्यादा नहीं, वो भी ख़त्म होने ही वाला है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम उसमें बना रहे हैं, बाकी GS जनरल स्टडी करंट अफेयर उस पर भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन रख रहे हैं, वो भी आना है। तो ये रखिएगा ध्यान कि प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, जो जो सिलेबस है वो लगभग लगभग हो रहा है और कुछ जो बाकी है वो हम उसमें करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी करा दिया जाए, 20 से 25 अप्रैल के टर्म तक इसको टोटल सिलेबस एंड कर दिया जाए। बाकी जो हो चुका है या हुआ हुआ है वो करते रहिएगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं बुक, इसमें कोई बुक बता दीजिए। भैया बुक तो मार्केट में अवेलेबल हो ही गई होंगी, आ ही गई होंगी, और बुक से कोई खास गारंटी नहीं होती सारे क्वेश्चन मिल ही जाएँ। फिर भी अगर बुक्स कोई लेना चाहते हैं तो जैसे अपना इंटर की बुक्स का रिवाइज करिए, हाई स्कूल का रिवाइज करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, और मार्केट में जो घटना चक्र ले सकते हैं एंड प्रतियोगिता साहित्य से, इससे मैथमेटिक्स का, TGT का एंड PGT का दोनों का बुक्स लेकर रिवाइज कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और अपने हिसाब से बुक के लिए भी हमने पीछे वीडियो बनाया था कि कौन सी वीडियोज़ बुक के लिए अच्छी है, कौन सी बुक इसमें TGT के लिए पढ़ें, तो वो चेक कर लें उसमें कौन कौन सी से पढ़ें, वो भी बेटर से। एंड जो वेक्टर्स का हमने शुरू किया, 1-2 वीडियो वो वायरल भी हो गई है, 2000-3000 व्यू के आसपास में जाने लगे, 2000 से ऊपर, उसमें केवल हमारे मोस्ट क्वेश्चन थे, आ रहा है कि उसको सॉल्व भी करिए। तो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हैं वो हमने सोल्व नहीं की वेक्टर्स में, वेक्टर्स हम ख़त्म करने वाले हैं, इधर से डिफरेंशिएशन वेक्टर एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद उन वीडियो को एक एक करके सोल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसमें ना घबराइए कि ये नहीं हुई, कुछ पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बुक से है, इंटर से है क्या, तो इसका पेज बताइए भाई। जो वो स्टार्टिंग की वीडियोज था वो कंपटीशन की बुक से हैं, जैसे IIT वगैरह AITEE होता था, तो उस उनकी बुक से लिया गया है, जो TGT में भी आता रहता है, वो मिक्स क्वेश्चन है, उसका पेज नंबर नहीं बता पाएंगे, उनसे लेकर कई बुकों से लेकर हमने नोट्स बनाया, उस नोट से हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं कि एक ही बुक से हो तो उसका पेज नंबर बता दिया जाए। तो जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी दिक्कत आ रही कमेंट करिएगा, हम सभी क्वेश्चनों का आंसर देंगे। कुछ कमेंट्स अभी आए थे कि उसका भी हम आंसर देने वाले हैं जल्दी से।